नहीं अर्थ, मुझे तुम्हारे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपने फैसले से खुद कन्विंस होना। हाँ मानव, चलिए ठीक है, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? तुम मेरी चिंता मत करो, तुम गौरी को संभालो और तुम अपना भी ख्याल रखना, देखना सब अच्छा हो। हाँ मानव, अच्छा बताइए कि सचिन कैसा है? अभी ठीक है, कुछ टेस्ट चल रहे हैं। एक्चुअली कल रात के हादसे के बाद उसका बीपी काफी फ्लक्चुएट हुआ था, लेकिन अभी नॉर्मल है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसे जितना हो सके आराम करने की जरूरत है। ठीक है, आप प्लीज, अरे मानव ये गौरी आ गई, आप प्लीज इससे बात कीजिए, इसको बहुत टेंशन हो रहा था सचिन के बारे में, आप उसे खुद बता दीजिए कि अब सचिन ठीक है, लीजिए बात कीजिए। हेलो गौरी बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, मैंने सच्चू के कान पकड़कर उससे कहा है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और हमारी गौरी को अब अगर और इंतजार करवाया ना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम देखना वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, और तुम बिल्कुल खुश रहो, टेंशन फ्री हो जाओ, ताकि कल को जब वो घर वापस आए तो उसे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूंगी, आप आई से बात कीजिए। हाँ मानव, अब मैं फोन रखती हूँ। और हाँ प्लीज अपना ख्याल रखिएगा मानव, और सचिन का भी, और अपनी दवाई टाइम पर लीजिएगा, और सचिन को भी दवाई टाइम से दीजिएगा प्लीज। हाँ जैसा आप कहें अर्चना जी। अच्छा चलिए अब मैं रखती हूँ फोन, गुड नाइट। गुड नाइट, सुनो अपना ख्याल रख। ठीक है मानव जी, बाय। आई आई एम सॉरी। किस लिए? क्योंकि आपको मेरी वजह से यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, और इस वक्त बाबा को भी आपकी उतनी ही जरूरत है। यहाँ बैठ। देख गौरी, मुझे पता है कि मानव को भी मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि मेरा तेरे साथ रहना भी उतना ही जरूरी है। और सच कहूं मानव कभी ये नहीं चाहेंगे कि मैं उनके साथ रहूं और तुम्हारे साथ ना रहूं, क्योंकि उन्हें भी तुम्हारी उतनी ही चिंता है कि शायद मुझे, और यही सही होगा इस वक्त कि मैं तेरे साथ रहूं, क्योंकि उस गुंडे का कोई भरोसा नहीं रहा है, वो कब क्या करेगा किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है गौरी, इस बार उसे मैं सजा दिलाऊंगी, इस बार वो जेल जाएगा किसी भी हाल में, चिंता मत कर। सर अभी तो चकमा दे दिया पुलिस को, यहां से बाहर कैसे जाए समझ नहीं आ रहा। पुलिस हमारा पीछा कब छोड़ेगी, वहां सचिन भी मर नहीं रहा है। हमरे से बहुत बड़ी गलती हो गई पूर्वी, हमरे को बात का पछतावा भी हो रहा है, उससे में आकर हमने अपने दादा पर हाथ उठा दिया, मार दिया, ये बात अंदर अंदर खाए जा रही है हमरे को, ऐसा लग रहा है जैसे हम इंसान नहीं जानवर है, जानवर। फिर भी अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते, ये बात तुम दोरा पास आए, हमरी एक बार बात सुन ले,
वो कदम खुद ब खुद चले जाएंगे सिर्फ एक बार। और आपको क्या लगता है? मैं आपकी बात सुन लूंगी, मैं अभी पुलिस को फोन लगा। पूर्वी ऐसा मत कर। पूर्वी हम तोरा आगे हाथ जोड़ते, हमारा हाथ सभी ने छोड़ दिया है। पूर्वी इस वास्ते हम तोरा पास आए। तोरा ने कहा था ना कि जब भी हमरे को मदद की जरूरत होगी तो होगी हमरे साथ। लेकिन हमरे को अब तो वादा कर, जब भी हमरे को तोरे जरूरत पड़ेगी तू हमरे को छोड़ के नहीं जाएगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, हमेशा आपका साथ दूंगी। मैडम क्या हुआ? आपकी चीख सुनी, आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ, आप जाइए। मैडम जी, डीके सर का गोवा से फ्लैट पकड़ने से पहले फोन आया था। उन्होंने कहा था कि आपको अर्जुन सर को इन्फॉर्म कर दूं कि रात का डिनर वो आपके साथ ही करें। आप पापा घर आ रहे हैं? कितने बजे फोन आया था? 2 घंटे पहले। ठीक है आप जाइए। पूर्वी इन्हें हमले को बचा लिया। आप जानते हैं ना मैंने क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपना वादा पूरा करना। प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ दादा, आप यहाँ से चले जाइए, अर्जुन और पापा घर आ रहे हैं। और हम समझते हैं, लेकिन सिर्फ आज की रात रुकने देंगे यहाँ पे हमरे को। I'm very sorry, लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं रुकने दे सकती। दादा आप नहीं जानते, आप अपने होश खो बैठे। आपने सच्चू दादा पे हमला किया, पापा से आप लड़ रहे थे दादा। मैं आप पे कभी विश्वास नहीं कर सकती दादा। अब मुझे तो अपने ऊपर पछतावा हो रहा है कि मैंने आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहा। तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी दादा, मैंने आप पे भरोसा किया, लेकिन अब मैं आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती दादा। एक तो बार हमारी बात सुन ले, बैठना। अच्छा बैठना ही है, एक तो बार बात तो सुन। हमरे से बहुत बड़ी गलती होगी, हमरे को माफ कर। हम सिर्फ गौरी को पाना चाहते थे और वो पागलपन में हमने दादा को मार दी, जो उनका नतीजा आज पूरा परिवार भुगत रहा है। हमरे को अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा, पूर्वी हम कह रहे हम अपने आप को मार। तुरे को पता है पूर्वी, हम माई के पास गए, उन्हें हमरे को बेटा कहने से इनकार कर दी, और एक बात हम तुरे पास आया पूर्वी, तुरा आगे हाथ जोड़ते पूर्वी, एक तो मौका दे, कल उन लोगों से मिलके हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। सच कह रहे हम तुरा से, हम तुरे दुबे दाबे समझ रहे हैं पूर्वी, कि एक तरफ तो हमारा चेहरा नहीं देखना चाहती और दूसरी तरफ तुरे को हमरे को दिया हुआ वादा पूरा करना। ठीक है अगर तू हमारी मदद नहीं करना चाहती तो हम अभी जाके अपने आप को पुलिस के हवाले करते, फिर जॉन पुलिस को करना होगा हमारे साथ कर ले। दादा रुकिए, मैं आपको एक और मौका देना चाहती हूँ दादा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको आपकी गलती का पछतावा है। आप आज की रात यहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन हाँ मैं आपके लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ देती हूँ, लेकिन तब तक आप यहीं पर ही रहिएगा, यहाँ से बाहर मत जाइएगा, और मैं दरवाजा भी बाहर से लॉक कर दूंगी ताकि कोई सर्वेंट अंदर ना आए। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप जानते हैं ना मैं पूरे परिवार के खिलाफ जाके आपके लिए क्यों कर रही हूँ? प्लीज मुझे अपने इस किए पे पछतावा करने का मौका मत देना। सही कलाकार है भाई, हम सबे के सबे इमोशनल फूल है सारे। क्या बात है भैया, कमाल है। अब 2-4 दिन थोड़ा आराम करेंगे यहां, और फिर सोचेंगे कि अपनी गौरी को पाना कैसे है।
वर्चू तू यहाँ इस वक्त? मैं तुझसे मिलने आई, तेरे घर गई थी तो सविता ने बताया तू यहाँ पर है, इसलिए यहाँ चली आई। ताई ये तेरे कुछ दवाइयां हैं, तू घर पर भूल गई थी, मैंने सोचा मैं आ रही हूँ तो आते वक्त लेते आऊ। हाँ वो दरअसल मैं जल्दी जल्दी में निकल आई थी, इसलिए बस यही डर था कि कहीं वो लड़का यहाँ आकर फिर से कुछ हंगामा ना कर दे। दरअसल सचिन और गौरी की शादी की तारीख वापस निकल आई है, अब खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा, लड़का फिर पागल हो जाएगा और कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने सोचा कि ताई मुझे तुझे एक बात बतानी है। सोहम हमारे घर पर आया था। वर्षा आई क्या घर? हाँ हाँ, पुलिस हमारे पीछे पागलों की तरह दौड़ रही है, हो तुम ही लेके आए तोरा से, हमरे को सहारा देना मई। इसका मतलब है फिर से वो पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो जो अच्छा ही हुआ। मतलब ताई मैं समझी नहीं, मतलब ये है कि कम से कम हमें ये तो पता चला कि उसके पास अभी मदद करने के लिए कोई नहीं है, उस बालन ने जरूर उसका साथ छोड़ दिया होगा, इसलिए तो वो तेरे पास आया था, शायद तू उसे घर में छुपा ले, उसके पास कोई भी जगह नहीं है जहां वो जाके छुप सके। एक सेकेंड ना ताई, तो किसे फोन कर रही है? डीके सर को वर्षा, उन्हें बताना है कि सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा दे, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, कहीं ये लड़का पता नहीं फोन भी नहीं लग रहा है, मैं भी घर फोन लगा के देखू। ताई पुलिस ये बात जानती है क्योंकि जब सोहम हमारे घर पर आया था तब उसी वक्त मैंने पुलिस को बुलाया था। हेलो हेलो पूर्वी डीके सर है क्या? हाँ एक्चुअली पापा इस वक्त एयरपोर्ट पे होंगे, वो गोवा गए थे किसी मीटिंग के लिए। क्या हुआ, सब ठीक है ना? यहाँ कुछ ठीक नहीं है पूर्वी, सोहम ने अपनी सारी हदें पार कर। तुझे पता है सोहम कहाँ गया था? सोहम आई के घर गया था वर्षा से मदद मांग, तो वहां छुपना चाहता था। उसने एक और हरकत की, उसने गौरी को एक मिल में बुलाया था, झूठा फोन कर वो उसे वहां से उठाकर लेकर जाने वाला था। क्या? हाँ आपको जॉन करना है कर लीजिए, हम भी देखते हैं कि आप में और हम में जीत कौन की होती है। अब गौरी कैसी आई? अभी ठीक है, लेकिन मैंने एक फैसला लिया है, पूरी मैं यही कुछ दिन गौरी क्या रहूंगी जब तक सचिन और गौरी की शादी नहीं हो जाती। मुझे उस लड़के पर बिल्कुल भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या कर बैठे, और गौरी के घर के बाहर भी पुलिस है, बस मैं चाहती हूँ थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ जाए तो अच्छा होगा। तो देखना मैं उस लड़के को जेल जरूर पहुंचा के रहूंगी। मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। आई 2400 घंटे गौरी के साथ रहेगी तो मुंह का उठाएंगे कैसे? बाबा आई के प्यार और सोच का कोई तोड़ नहीं, गौरी की सेफ्टी के लिए उन्होंने गौरी के साथ रहने का प्लान किया, और जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक अर्चना वहीं रहेगी। चले आने के लिए। क्या हो बेटा, तेरी आंखों में आंसू? बाबा आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बोल ना। सोहम को जाने दीजिए, उसे माफ कर दीजिए। सचिन जिस लड़के की वजह से तेरी हालत हुई है तू उसे माफ करना चाहता है? बाबा मैं उसको माफ करने के लिए कह रहा हूँ कि अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। क्यों?
आप सबके प्यार के सामने मुझे उसकी नफरत नजर नहीं आती। मेरे पास इतने अच्छे आई बाप, तीन तीन प्यारी बहनें, आजी अजूबा, मुझे और क्या चाहिए? मुझे बस आप लोग के साथ रहना, मैं बहुत खुश हूं। सोहम के बारे में सोचकर, उस बात का टेंशन लेकर मैं अपनी खुशी कम नहीं करना चाहता। उसे माफ करके उसकी तरफ ध्यान ना देना ही उसे हमारी जिंदगी से दूर रखने का सबसे अच्छा रास्ता होगा। सचिन, सोहम को पहले भी माफ करके हम उसका नतीजा आज तक भुगत रहे हैं। हम फिर से वही गलती नहीं करेंगे। सोहम को माफी नहीं, सजा मिलेगी। पापा लेकिन बस, अब मैं सोहम के बारे में और कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। तो प्लीज बाबा, मैं आपके लिए गुड न्यूज लाई हूं। डॉक्टर ने कहा है कि हम सच्चू दादा को घर ले जा सकते। That's really great news, Ovi. मैं भी घर जाने के लिए कब से तड़प रहा हूं। सॉरी बाबा। सुनो जी मैम, कहाँ जा रही हो? सर के रूम में बुक्स रखने जा रही हूँ। अब नहीं, एक काम करो, बुक्स यहाँ रख दो, मैं रख दूंगी, ठीक है? हाँ जी। तुम जाओ। तोरा आगे हाथ जोड़ते पूर्वी, एक तो मौका दे, कल उन लोगों से मिलके हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। पूर्वी, मैं यही कुछ दिन गौरी के यहाँ रहूंगी जब तक सचिन और गौरी की शादी नहीं हो जाती। मुझे उस लड़के पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैम आप बैठिए, मैं देखती हूँ। ऐसी हो? मैं बहुत ज्यादा थक गया, मैं बता नहीं सकता। डैड ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफिस का सारा बर्डन मेरे सर पे। तुम भी नहीं हो ऑफिस में? आई कैन फील, बहुत ज्यादा काम है। क्या हो गया? टेंशन नहीं लग रही हो? क्या हो गया? सच्चू दादा की टेंशन हो रही है और कुछ नहीं। तुम सचिन दादा की टेंशन मत लो। मैंने अभी अभी फोन किया था बाबा को, उन्होंने कहा कि उसे डिस्चार्ज मिलने वाले। क्या सच्चू दादा डिस्चार्ज होने वाले? ये तो बहुत अच्छी बात है ना अर्जुन। अब दादा घर वालों के साथ रहेंगे तो और जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम खाना लगा तो मैं डैड के कमरे से आता हूँ, कुछ फाइल्स लेने के लिए। अर्जुन मतलब पहले खाना खा लो। खाना खा लूंगा मैं। डैड ने अभी भी नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो मुझे कुछ फाइल्स है जो ओवरलुक करनी है। उन्होंने कहा था कि उनके ड्रॉअर में, मैं चेक करता हूँ। तुम खाना लगा दो। कॉफी? अब नहीं, चाबी मेरे पास। ओके खोलो। खरोच कैसे आई? कुछ नहीं है, ये लग गई थी कुछ। कब लगी? मुझे तुमने बताया क्यों नहीं? लड़की अच्छा मुझे बताओ ये कहाँ लगी? सोम जब मुझे गाड़ी में गन पॉइंट पे लेकर जा रहा था उस दिन लगी थी। पूरी सोम जो कुछ भी कर रहा है अच्छा, स्पेशली अपने परिवार वालों के साथ ये सब करना तो इट्स नॉट राइट। और अगर उस दिन वो मेरे हाथ में आ जाता तो मैं सीधा उसे पुलिस के पास ले जाता। खैर मैं फ्रेश हो गया।
और भी हमारे को माफ कर दे, वो हमारी वजह से अर्जुन बचो। दादा आप इस रूम से निकल कर नीचे स्टोर रूम में छुप जाइए, नीचे जाएंगे तो राइट हैंड साइड पर स्टोर रूम है, मैं वहां का दरवाजा खुला छोड़ दूंगी, आप संभल कर जाइएगा। और ये मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ।